Hello, people! आज हम आए हैं ट्रेन स्ट्रीट. मैं कितना काला हो गया हूँ? हो गया हूँ? Let me show you what I got. और हम आए हैं यहाँ की सबसे फेमस ट्रेन स्ट्रीट पे. मतलब आप हनोई आए और ट्रेन स्ट्रीट ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जितने भी ट्रैवलर्स वियतनाम आते हैं या फिर हनोई आते हैं, इस स्ट्रीट पे ज़रूर आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए. आसपास में कैफेज हैं और बीच में से ट्रेन निकल कर जाती है. ट्रेन के कुछ टाइमिंग्स हैं, वीकेंड के टाइमिंग्स अलग होते हैं, वीकडेज के अलग होते हैं. हमें स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना था, कॉफ़ी इंजॉय करनी थी, तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए. लेकिन आज थर्सडे को ट्रेन का टाइम है 7:30 PM का. तो चलिए ट्रेन का वेट करते हैं, अपनी कॉफ़ी को इंजॉय करते हैं. यहाँ पे क्या क्या फेमस कॉफ़ी मिलती है वो भी दिखाती हूँ आपको. ट्रेन स्ट्रीट दिखती कैसी है ये भी शेयर करती हूँ. यहाँ पर मैंने मंगाई है अपनी कोकोनट कोल्ड कॉफ़ी और श्री ने मंगाई है एग कॉफ़ी. यहाँ की बहुत फेमस होती है एग कॉफ़ी, बट मैं एग खाती नहीं हूँ इसलिए मैंने एग कॉफ़ी नहीं ली. ये छोटे छोटे पिलूज भी आए हैं यहाँ. ओ बॉबली, इस जैसे ही ट्रेन आती है एक यहाँ पे बेल है वो बजती है. हर कैफे के बाहर एक बेल लगी हुई है जो ज़ोर सी बजती है, सबको पता लग जाता है कि ट्रेन आने वाली है. और आप ये देख रहे हो एक येलो लाइन है जो यहाँ बीच में, आपको इस येलो लाइन के अंदर बैठना होता है. अगर आप ज़रा सा भी बाहर हो तो आके वो शोर मचाते हैं और आपको अंदर की साइड पुश करते हैं. तो आपको ये मेंटेन करना है कि इस येलो लाइन के अंदर होके बैठना है. आई थिंक इधर से ही आएगी ना, इस साइड से आएगी, इस साइड से आएगी. शुरू होते खत्म हो गया यार. हमारा हुआ है पचका, फिर सडनली पैनिक स्टार्ट हो गया और हम लोग सबके फोन देख रहे उधर पॉइंट आउट है. और जब हम लोगों ने शॉट लिया तो एक छोटा पचका निकला, तो एक छोटा सा डब्बा गया है. देखिए बोलते ना देख उतना ही, मतलब बच्चों की ट्रेन इससे बड़ी होती है. ट्रेन के नाम पे पचका हुआ रे. जो एक्चुअल ट्रेन है वो 7:40 को आएगी, तो आई थिंक इनका टाइम चेंज होता रहता है. तो जिस कैफे में बैठे उसने बोला कि 7:40 को आएगी शायद. सब लोग प्रिपेयर्ड है. अभी फिर से घंटी क्यों बजी? फिर से क्या बजा? आएगी ना अभी. तो कर लिया है हमने ट्रेन स्पीड का एक्सपीरियंस, अच्छा रहा, मजेदार रहा. लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगी इस जगह के बारे में, हनोई एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही कमर्शियल प्लेस है. वियतनाम की कैपिटल है, ऑफकोर्स यहाँ पे ज़्यादा यू नो सिटी लाइफ जैसी होती है, ज़्यादा भाग दौड़ है. लेकिन यहाँ के जो लोग हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए. थोड़े से रफ हैं बात करने में, बदतमीज़ हैं, मतलब इमिजिएटली आपके साथ बदतमीज़ी पे आ जाते हैं. थोड़ा सा अनसेफ फील होता है सिटी में, ज़्यादा ईव टीजिंग होती है लड़कियों के साथ में. जो करप्शन हम लोगों को होयान में या दनांग में लोगों में नहीं दिखा, इस सिटी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखा. वियतनाम की कैपिटल है ये सोच के हमने यहाँ पे ज़्यादा दिन स्पेंड करने का सोचा था, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा यहाँ पर. ट्रेन स्ट्रीट से बाहर निकलकर हम लोग जा रहे हैं, कहाँ हम लोग जा रहे हैं? नाइट मार्केट और
यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें है ओला उबर जैसा ग्रैब, उसके बाद बाइक्स भी है, वो एक बाइक के ऊपर तीन लोग जा सकते हैं। कैपिटल होने के बावजूद यहाँ पे एक बाइक पे तीन लोग बैठते हैं विदाउट हेलमेट। हम लोगों ने हो ची मिन्ह एंड होयान में प्रॉपर हेलमेट पहन के बाइक चलाया था। सो यहाँ पर बोला जाता है कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, बट अगर आपको आसपास जाना है तो एक बाइक पे तीन लोग बैठ सकते हैं विदाउट हेलमेट। सो ये मुझे समझ नहीं आया। सो सेफर साइड बुक अ कैब अगर आपको पास में भी जाना है तो। लेकिन चलिए आपको लेके चलती हूँ नाइट मार्केट यहाँ की, देखते हैं वहाँ अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मे बी हम शॉपिंग भी करेंगे, अगर इंटरेस्टिंग नहीं मिला तो कुछ इंडियन खाएंगे। पिछले आधे घंटे से लोग कभी हमें इधर भेज रहे हैं कभी उधर भेज रहे हैं। एक्चुअली आज नाइट मार्केट है ही नहीं क्योंकि आज थर्सडे है और यहाँ नाइट मार्केट लगती है फ्राइडे सैटरडे संडे। ये बात यहाँ के लोकल्स को भी पता नहीं है, कैब वालों को पता नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें बताया एंड हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली कि ठीक है आज नाइट मार्केट नहीं होने वाली है, तो प्लान हुआ है कैंसिल। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें पसंद आ गई हैं, जैसे नागपुर रोड है इसने आज कितने तुमने अभी एक टॉप लिया 2 लाख का, 150 रुपया देगा 2 लाख मतलब 700 रुपये। ऐसा लगता है ना कितने पैसे जा रहे हैं, कितने 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख, हल्का फुल्का ही मामला है आया बड़ा। रात में हम इंडियन खाते हैं और इंडियन खा खा के भी हम बोर हो गए हैं। अब श्रीकांत वटमवर को चाहिए पंजाची, मतलब पंजाबी चाइनीज। तो ये यहाँ का ऑथेंटिक रोटी है, यहाँ का ऑथेंटिक रोटी है जो बहुत फेमस है यहाँ का। अलग अलग फ्लेवर्स में मिलता है रोटी, जगह का नाम भी रोटी है एंड ये लोग रोटी बुलाते हैं इसको, या द रोटी बहुत फेमस है, पूरे वियतनाम में मिलेगा आपको ये। लोगों का नहीं इतनी गर्मी में, मतलब एक्सट्रीम गर्मी है और लोग रोड साइड पे बैठ के उबला हुआ खाना खाते हैं, एकदम बॉयल गरम गरम नूडल्स खा रहे थे और सुबह नाश्ते में भी नूडल्स खाते हैं। फू कहते हैं उसको, जो हमने ट्राई किया फू लेकिन हमें पसंद नहीं आया। श्रीकांत ढूंढ रहा है कि आज कहाँ मिलेगा पंजाची। ओ भाई 20 मिनट से तो आगे से लेफ्ट हो रहा है, अब पता नहीं और कितने लेफ्ट जाना बाकी है। मेरी शक्ल में देख रहे हो तेल बाहर आ गया। ये यहाँ का थिएटर है हैंग डॉग, तो दिस इज द रेस्टोरेंट हम लोग जहाँ आए हैं। सो यू कांट टेक आवर बुकिंग, लौट के बुद्धू घर को आए, नहीं मिला है श्रीकांत जी को चाइनीज। तो हम लोगों ने कल यहाँ पे खाना खाया था, इस जगह का नाम है स्वाद रेस्टोरेंट, जो कि इंडियन खाना बहुत टेस्टी मिलता है। सो हम लोगों ने क्या सोचा कि अगर इंडियन ही खाना है तो क्यों ना स्वाद पे खाया जाए। अब हम खाएंगे गोभी पराठा, आलू पराठा और चिकन बिरयानी। जैसे ही लॉक स्टार्ट होते ना फटाफट से एक्टिंग आ जाएगा। हाँ तो हम ये कह रही थी कि अब तो कुछ बोलेगा ही नहीं ना, असली रूप दिखाओ ऑडियंस को अपना, कम ऑन असली रूप दिखाओ। नहीं 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 ठीक है आ जाती आई मार अरे तेरी सी मतलब दे तो त्रास नहीं देता के तो क्लास। कल हम जा रहे हैं हलोंग बे टूर के लिए, क्रूज ट्रिप है हमारा। चलेगा स्पोक दे दीजिए, नो ठंडा भूख लगी। इसी स्वाद के साथ हम आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लव एंड पीस, लव एंड पीस। Let me show you what I got.